तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पे तो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद वीडियो आ रहा है, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा टेक्निकल इशू हो रहे थे मेरे साथ, इसीलिए बहुत टाइम के बाद हमारे वीडियो आ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो और नॉलेजफुल वीडियो आने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि फ्रेंड्स मुझे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मतलब हमारे सब्सक्राइबर्स कमेंट कर रहे थे कि दोस्तों कि मतलब किस तरीके से सीरीज कनेक्शन किया जाए, किस तरीके से पैरेलल कनेक्शन किया जाए, उसमें बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत हो रही थी। इसलिए दोस्तों ये वीडियो फुल्ली हम उस पर ही बनाने वाले हैं, जिससे फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाएगी। इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो बनाएंगे तो फ्रेंड्स आपको ज़्यादा उसमें समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्रेंड्स इसी वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ आपने शेयर भी कर दीजिए, जिससे दोस्तों को उनकी भी नॉलेज बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, आप जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों चलते अब हमारी वर्कशॉप पे। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिथियम आयन के सेल्स ले लिए हैं जो लगभग 3.7 वोल्ट के आउटपुट देते हैं। तो दोस्तों मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि फ्रेंड्स सीरीज में मतलब या फिर पैरेलल कनेक्शन सिखा दो, तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो बन रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिथियम आयन के सेल्स ले लिए मैंने, तो इसका ही हम सीरीज और पैरेलल सीखने वाले। सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ये डिज़ाइन आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अपोजिट साइड है वहाँ पर हमें सोल्डरिंग करना है, जिससे हम एक साइड से 12 वोल्ट निकाल सकते हैं, मतलब एक साइड से नेगेटिव एक साइड की पॉजिटिव लेके हम इसे 12 वोल्ट सिंपली निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके यहाँ पर आपको कनेक्शन कुछ पता नहीं चलने वाले, तो जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से दो अगर सेल लेंगे तो फ्रेंड्स हम इसे 7.2 वोल्ट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे तो फ्रेंड्स अगली साइड का जो पॉजिटिव नेगेटिव है वहाँ से हमें 7.2 आउटपुट मिल जाएगा। तो सिंपली इसको भी कनेक्शन कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने तीन सेल ले लिए जो लिथियम आयन सेल से 7.2 वोल्ट के। तो फ्रेंड्स एक साइड में पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर एक वायर फ्रेंड्स मैं देख सकता हूँ किस तरीके से मैंने वायर्स कट कर लिए, छोटी छोटी वायर कट कर लिए, जिससे आपको यूज़फुल होने वाला है कि आप अपनी सोल्डरिंग कर सकते हैं, पास पास में बैटरियों को रख सकते हैं, जिससे ज़्यादा झंझट नहीं होगी, वायर भी ज़्यादा आपको नहीं लगे। तो सिंपली फ्रेंड्स इसे एक साथ रख लेते हैं और उसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका क्या करते हैं कि फटाफट से सोल्डरिंग का काम हम पूरा कर लेते हैं, जिससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने एक बैटरी के पॉजिटिव साइड में एक वायर कनेक्ट कर लिए, तो उसको हम क्या करने वाले कि दूसरे बैटरी के नेगेटिव साइड में कनेक्ट करने वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी बैटरी उसके नेगेटिव साइड में कनेक्ट करने वाले, और वैसा ही उस बैटरी मतलब जो दूसरी वाली बैटरी ले उसके साथ भी करने वाले, जिससे एक साइड में पॉजिटिव और एक साइड में नेगेटिव करने वाले। मैं होल आपको दिखाने वाला इन डेप्थ फ्रेंड्स हम दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो सेल तो कनेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप निकालोगे इलेक्ट्रिसिटी तो 7.2 आउटपुट आएगी आपकी दो सेल में। अभी तीसरा सेल भी कनेक्ट करने वाले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी जो दूसरी वाली साइड है वहाँ पर आप वायर कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये इस साइड में नेगेटिव चार्ज ले लिया फ्रेंड्स हमने, तो यहाँ पर सिंपली सोल्डरिंग ज़रा सी डाल लेते हैं, जिससे एकदम वो परफेक्टली पेस्ट हो जाएगा, ज़रा भी नहीं हिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक वायर लगा देते हैं हम अभी, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वायर लगा देते हैं, और जो दूसरी साइड में जो हमारे पहले कनेक्ट किया है हमने वहाँ की पॉजिटिव को साइड को लगा देंगे, जिससे 12 वोल्ट आउटपुट हम निकाल सकेंगे एकदम इजीली। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस साइड में लगा देते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो हमारे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे दोस्तों आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजबल वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी दोस्तों, और इन डेप्थ मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट हमारा हो चुका है। दोस्तों इसके फायदे या फिर नुकसान मैं सारे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर पॉजिटिव साइड है और वहाँ पर नेगेटिव, इसका स्क्रीनशॉट मार दोगे तो फ्रेंड्स आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर दो ही सेल यूज़ करोगे तो फ्रेंड्स वहाँ से आपको 7.2 आउटपुट निकलेगा। तो इससे आप 7.2 आउटपुट मतलब लगभग 8 वोल्ट आपका आउटपुट निकलेगा। तो इससे भी आप वेरियस प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी पैरेलल में कनेक्ट करने वाले हो, तो सिंपली फ्रेंड्स मैंने दो ले लिए तार, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको नेगेटिव को नेगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव हमको कनेक्ट करना है। अगर आप फ्रेंड्स नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्ट कर दोगे तो फ्रेंड्स वो सीरीज कनेक्शन हो जाएंगे, और पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव कनेक्ट कर दोगे तो फ्रेंड्स वो पैरेलल कनेक्शन हो जाएंगे। और इसमें क्या एम्पियर होता है, क्या वोल्ट होता है, मैं सारा आपको बताने वाला हूँ लास्ट में, तो तब तक वीडियो ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव को पॉजिटिव हमने कनेक्ट कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है। अभी नेगेटिव को नेगेटिव को भी कनेक्ट कर ही लेते हैं सिंपल से। तो इस तरह से यहाँ पर आप वायर लगा देते हैं हम। तो दोस्तों क्या होता है कि सीरीज में कनेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपके जो लिथियम आयन सेल्स होते हैं उनका एम्पियर नहीं बढ़ता, उनका सिर्फ वोल्टेज बढ़ जाता है। अगर आप पैरेलल में कनेक्शन कर दोगे तो फ्रेंड्स उसका क्या होता है कि एम्पियर बढ़ जाता है, लेकिन वोल्टेज उतना ही रहता है 3.7 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके कनेक्शन हो चुके हैं। तो इसका फ्रेंड्स हम क्या करने वाले कि इसका मल्टीमीटर होता है, वोल्टेज मीटर जो वहाँ पर हम वोल्टेज की चेक करने वाले हैं, तो उससे भी टेस्टिंग करने वाले कि कितना आउटपुट वो निकाल रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें एक फॉल्ट क्या होता है 12 वोल्ट में कि आपको वहाँ पे बीएमसी लगाना पड़ता है, नहीं तो
जो हमारे सेल्स होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, मतलब जल्दी नहीं बहुत टाइम लगता है लेकिन ख़राब हो जाते हैं, उनकी चार्जिंग की पावर कम हो जाती है, इसीलिए फ्रेंड्स उसमें BMC लगाना पड़ता है। तो जल्दी से फ्रेंड्स इसका हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीमीटर ले लिया मैंने, तो इसका सिंपली हम 20 पर कर लेते हैं वोल्ट में, जिससे फ्रेंड्स हमको एकदम परफेक्ट रीडिंग आ जाएगी उसकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 में हमने कर लिया है और वहाँ पे एम्पेयर की साइड है, तो यहाँ पर सिंपली 12 वोल्ट देख सकते हैं आप दोस्तों। तो सबसे पहले हम 12 वोल्ट मतलब जो हमारे 3 सेल्स है वो जो हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं उनका ही देख लेते हैं, सॉरी पैरेलल में वाला देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.47 वोल्ट, मतलब ज़रा सा चार्ज कम था मेरा सेल, मतलब चार्जिंग नहीं थी इसलिए वो कम दिखा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट में, यहाँ पर भी 12 वोल्ट परफेक्ट नहीं दिखेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 वोल्ट तक दिख रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपका वो चार्जिंग अच्छी तरीके से होगा तो फ्रेंड्स क्या होता है कि 4 वोल्ट तक चला जाता है लिथियम आयन का वोल्टेज, इसलिए वो 12 वोल्ट तक चला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सेल से 7 वोल्ट आ जाता है एंड 3 सेल से 12 वोल्ट तक चला जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे दोस्तों आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। दोस्तों मिलते हैं आप हमारी लेटेस्ट वीडियो में।